मैं पत्रकार सुरक्षा महासमिति से बरेली जिला अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में कनिष्ठ तिवारी एक पत्रकार हैं। एक धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते वक्त वो खबर को कवरेज कर रहे थे, कनिष्ठ तिवारी और उनकी पूरी टीम। तो वहाँ पर सिटी के कोतवाली के इंस्पेक्टर आते हैं और बोलते हैं कि ये खबर कवरेज नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे पत्रकार वहाँ माने नहीं, खबर को कवरेज किए। फिर किसी तरह उन्हें बुलाकर वहाँ पर कोतवाली में बुलाकर और बातचीत किए। बातचीत करने के बाद में बोले कि ये खबर नहीं चलेगा, तो पत्रकार हमारे मना करने लगे कि खबर क्यों नहीं चलेगा। तो पता चला कि वहाँ पर एक बीजेपी के विधायक हैं, उनके बारे में चलाया जा रहा था, तो बोले नहीं ये खबर नहीं चलाया जाएगा, रोक दे। तो पत्रकार हमारे माने नहीं, तो वहाँ पर ये बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जिससे तुम कभी खबर चला नहीं पाओ। तो वहाँ पर थाने में बैठा के उनके साथ में पूरे अर्धनंग किया गया, कपड़े उतरवा दिया गया और पूरी रात बैठा कर उन्हें हवालात में बैठा कर उनसे यही कहा कि अब खबर नहीं चलाओगे। लेकिन हमारे पत्रकार वहाँ पर बहुत डरे हुए सहमे हुए थे। और हमारा पत्रकार सुरक्षा महासमिति ये घोर निंदा करती है वहाँ के मध्य प्रदेश सरकार से कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार पर अगर यह ऐसा अमानवीय व्यवहार होगा तो हमारा पत्रकार डरे और सहमे रहेंगे, जो कभी खबर को कवरेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि ऐसे पुलिस वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कि उनके साथ है और उनके साथ में रहने वाले पुलिस वालों को, कि कभी ऐसा पत्रकार पर ऐसा व्यवहार न करें। और इसके लिए मैं एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश सरकार से भी एक अपील करना चाहूँगा, पत्रकार के लिए कोई ना कोई ऐसा बिल पास हो जिससे कहीं खबर कवरेज कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उनके लिए कोई ऐसा सुरक्षा दिया जाए कि जो बिना डरे सहमे वो खबर को कवरेज कर सकें।